नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं बड़ी बात। अब हरियाणा में बच्चों के स्कूल दाखिले से पहले 100 अतिरिक्त सवालों के जवाब भी देने होंगे। इन्हीं सवालों ने शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री और सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए। तो अब दाखिला फॉर्म में बच्चे को लेकर और साथ ही उनके अभिभावकों को लेकर जितनी गहराई से जानकारियां मांगी गई हैं, उस पर विपक्ष एक बार फिर से सरकार पर हमलावर हो गया। शिक्षा विभाग में जितनी खामियां, जितनी परेशानियां लगती हुई हैं विपक्ष को, साथ ही बहुत सारे कर्मचारी, शिक्षकों की बात कर ली जाए, सड़कों पर कई बार नजर आए, शिकायतें हैं, उनका समाधान अभी नहीं मिला है। लेकिन ये बदलाव जिस तरह का देखा जा रहा है, इस बदलाव ने विपक्ष को एक बार फिर से मुद्दा दिया है। इस मुद्दे को भुनाने की पूरी जुगत में जुटा है विपक्ष। नेलो की बात कर ली जाए या फिर कांग्रेस की बात कर ली जाए, इसमें पक्ष ये है कि अभिभावकों से जुड़ी ये निजी जानकारियां क्यों मांगी जा रही हैं। रणदीप सुरजेवाला ने इन्हें आपत्तिजनक निजी जानकारी करार दिया है और सरकार पर आरोप लगाए गए कि बीजेपी का काम ही जासूसी करने का है और बच्चों की जासूसी की जा रही है। धर्म के नाम पर, नस्ल के नाम पर, जाति के नाम पर देश को बांटने की कोशिशें की जा रही हैं। साथ ही नेलो ने भी बीजेपी सरकार को इस मुद्दे को लेकर जमकर घेरा है। नेता विपक्ष अभय सिंह चौटाला की ओर से सरकार पर जुबानी वार किए गए हैं, लेकिन सरकार का जो पक्ष है वो वाकई चौंकाने वाला है। शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि हर साल की तरह ही दाखिले के फॉर्म है, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो 100 अतिरिक्त सवाल ऐसे होंगे जिनका जवाब देना पड़ेगा। उनमें ये भी एक बड़ा सवाल है अपने आप में कि जिस बच्चे का एडमिशन करवाने आप पहुंचे हैं, उनके अभिभावक किसी अस्वच्छ पेशे से नहीं जुड़े हैं, अस्वच्छ कोई व्यवसाय नहीं करते हैं, ये बात बतानी पड़ेगी। जेनेटिक्स किसी तरह की बीमारियां नहीं है, ये बात भी बतानी होगी। इसके अलावा आधार कार्ड से जुड़ी जानकारियां होंगी ही, पैन कार्ड की बात कर ली जाए, बैंक खाते की बात कर ली जाए, और बच्चे के जो अभिभावक हैं वो टैक्स भरते हैं या फिर नहीं, ये जानकारी भी देनी होगी। तो 2 अतिरिक्त पेपर जोड़े गए हैं पूरे ही फॉर्म के साथ, जो कि अभिभावकों का पूरा पक्ष है कि हमारी शिक्षा, हमारी योग्यता को लेकर ये पूरी परीक्षा ली जा रही है। स्कूलों का साफ पक्ष ये है कि हमने ये जानकारी नहीं जुटानी है और आदेश जो दिए गए हैं वो विभाग की ओर से हैं, लेकिन मंत्री जी इनकार करते हैं किसी भी तरह के बदलाव से। लेकिन यहाँ आके मैं हैरान बहुत हुई मैं, क्योंकि उन्होंने मुझे एक पेज दे दिया जिसमें कम से कम लगभग 90 से 100 मुझसे मतलब उसके बारे में पूछा जा रहा है, क्या चीज़ है आपके बच्चे की, अपने पेरेंट्स की, फादर की, मदर की। अब यहाँ पर मैं अपना बायोडाटा या बच्चे के बारे में, फैमिली का बायोडाटा देने नहीं आई हूँ, अपने बच्चे का एडमिशन कराने आई हूँ। बच्चे का एडमिशन है स्कूल में, बच्चे को शिक्षा देनी है, लेकिन उससे पहले वो हमारी शिक्षा कम्प्लीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये 100 पॉइंट पूरे करने किसी की भी बस की बात नहीं है। देखिए कि बच्चे के बारे में जानकारी, उनके पेरेंट्स के बारे में जानकारी के लिए हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रावधान है जिसको कि हम MIS फॉर्म कहते हैं। उस फॉर्म में जो भी जानकारी बच्चे के बारे में है या उसके पेरेंट्स के बारे में है वो गवर्नमेंट को दी जाती है। हाँ, ऐसी डायरेक्शंस हैं कि जो डिटेल है वो बच्चों के बारे में स्कूल के पास होनी चाहिए ताकि सरकार के पास भी हो। तो क्यों विपक्ष को परेशानी है और क्यों सरकार और मंत्री ये कहते हैं कि हमने बदलाव नहीं किया? अगर बदलाव नहीं किया गया तो 2 अतिरिक्त जो पेपर हैं वो कहां से आए हैं और क्या मंत्री जी को जानकारी नहीं है? अगर बदलाव भी किया गया है तो बात स्वीकारी क्यों नहीं गई? और बात स्वीकारी नहीं गई, साथ ही जो बदलाव किया गया है उसकी कितनी जरूरत है कि बच्चे के जो अभिभावक हैं वो किस तरह के पेशे के साथ जुड़े हैं, जेनेटिक्स बीमारियां तो नहीं है, ये भी पूछे जाने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? इतनी गहराई से सरकार जानकारी क्यों हासिल कर रही है? विपक्ष इसको लेकर सरकार पर हमलावर है और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे एक खास पैनल के साथ। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता है हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री जी, बहुत स्वागत है आपका। कुसुम शेरवाल जी है हमारे साथ, इनेलू प्रवक्ता है स्टूडियो में। कांग्रेस प्रवक्ता बाल मुकुंद शर्मा हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेंद्र जादौन, बहुत स्वागत है सभी का। शास्त्री जी, क्या है ये, क्या बदलाव किया गया आप लोगों की ओर से या फिर नहीं, पूरा मामला क्या है? देखिए, इसमें कुछ जानकारियां जो योजना का लाभ लेना चाहते हैं और लाभार्थी तक ही वो लाभ पहुंचे, इस योजना से कुछ बायोडाटा उनका इकट्ठा किया है, क्योंकि जिस समय ये योजना लागू की थी केंद्र की कांग्रेस सरकार ने जी, उस समय और उसके बाद में कुछ लोगों के और कुछ व्यवसायों में अंतर आया है
और उसमें जैसे मेला ढोने की जो प्रथा थी वो पूर्णतया देश के अंदर प्रतिबंधित है और पहले इस प्रकार की योजनाओं में उनको सम्मिलित करने की बात थी, लेकिन क्योंकि वो परंपरा ही नहीं है, अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है और इस प्रकार की कुछ इस जानकारियां ली हैं जिससे कि जो उचित लाभार्थी हैं उन तक ही वो लाभ पहुंचे, उसके अंदर बीच में ना कोई स्कूल ना कोई विद्यार्थी और जो इस योजना के अंदर आने चाहिए वो सब लोग आ जाएं इस योजना को लेकर, इस मनसा को लेकर इसमें परफॉर्म में कुछ चीजें उसमें रखी है। मंत्री जी ने कहा कि कोई बदलाव नहीं किया हमने। नहीं, मंत्री जी इनके पॉलिसी में कोई अंतर नहीं है, डाटा कुछ जो है कम ज्यादा किया है, लेकिन कोई पॉलिसी में अंतर नहीं है कि किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। नहीं, दाखिले का जो फॉर्म है क्या उसमें बदलाव किया गया या फिर नहीं, उससे बदलाव करने से इनकार करते हुए नजर आए? दाखिले के फॉर्म में अंतर नहीं है, लेकिन जानकारियां दाखिले के अलावा जुटाई जाती है जिससे कि जो चीटिंग होती है, चाहे पेरेंट्स के साथ स्कूल के नाम से या स्कूल के नाम से पेरेंट्स के साथ और बच्चे के साथ, वो ना हो इसके लिए उसकी जानकारियां इकट्ठी की जाती है। शर्मा जी, कांग्रेस को परेशानी क्यों है? नहीं, मेरे साथी प्रवक्ता ने जैसे बताया कि चीटिंग होती है, ये खबर चीजों को गोल गोल कर रहे हैं। 100 के करीब अभी आपने सुनाया, उन्होंने बताया 100 के करीब ऐसी चीजें इन्होंने मांगी गई है जिसमें आधार है, पैन है, ये कुछ ऐसी मतलब ऐसी चीजें, अगर इसका फायदा नजर आता तो वो जो अभिभावक है वो ही विरोध नहीं करते, इसका कोई मायने ही नहीं है। और जो ये कह रहे मेला ढोने की प्रथा, ये प्रथा, ये तो इन्होंने कॉलम में लिखा है कि बताइए ऐसा कोई कर रहे हैं आप, मतलब ये चीजों को क्या करते हैं, उनको शुरू करके उनका रिएक्शन देखते हैं कि क्या रिएक्शन है, आगे उनको और बढ़ाना चाहते हैं, तो इनका कोई मतलब कोई सिस्टम नहीं है, पूरी बीजेपी सरकारी फैल इस मामले में, चाहे आप इस बात को ले लो या किसी और बात को ले लो, तो कोई इसका कोई मायने नहीं, कोई तर्क नहीं दे पाएंगे ये आगे भी। अगर इनको आप वो 100 कॉलम अगर इनको पकड़ाओगे ना आप, ये 2-3 दिन तक उसको देखते रहेंगे, इनको खुद समझ में नहीं आएगा क्या है ये कॉलम। वो ठीक उस एक ने बोला महिला अभिभावक ने कि हम अपने बच्चों को दाखिल कराने आए या अपने ही परीक्षा देने आए, तो ये तो नाजायज तंग करना है इनकी फितरत में है, अब इसको कैसे बदल सकते हैं, एक साल तक इनको झेलना है सरकार। बहुत अच्छा एक विषय इन्होंने शुरू किया कि इनको खुद जानकारी नहीं है, आपकी विद्वता का तो मैं जांच नहीं करना चाहता कि आप कितने विद्वान हैं, लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए मैं व्यक्तिगत बात नहीं करता, मैं कोई व्यक्तिगत शास्त्री जी कोई व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा आपसे, विद्यालयों के अंदर मैंने पढ़ाया, आपके मंत्री की आपकी बात में कंट्राडिक्शन है, आज इस बात पर गर्व करते हैं कि मैं सत्यव्रत शास्त्री के सानिध्य में पढ़ा हूँ, इतनी बात तो मैं व्यक्तिगत तो मैं कह नहीं रहा ना जी, लेकिन ये आप गलत लेंगे ना शुरू, मैं देखो इसको क्लियर कर देता हूँ, जिस प्रकार की शास्त्री जी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, व्यक्तिगत बात नहीं, जानकारी के आधार की चीजें पहले से SLC वगैरह के अंदर बीजेपी पूरी पार्टी की सरकार के तौर पे, मैंने व्यक्तिगत मैं आपका सम्मान करता हूँ, व्यक्तिगत बात पे नहीं, व्यक्ति से ही पार्टी बनती है, पार्टी से व्यक्ति बनता है, इसमें दो पार्टी तो आपकी पता नहीं क्या कांग्रेस की नीति हो सकती है कि वो व्यक्तिगत जीवन में कुछ करे और पार्टी लेवल पर कुछ करे, लेकिन मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी कुसुम शेरवाल जी, अगर किसी बच्चे के अभिभावक जो की सरकार को लगता है अगर किसी अस्वच्छ पेशे से जुड़े हैं तो उसकी जानकारी दिया जाना कितना सही रहेगा माहौल के हिसाब से? बहुत गलत बात है। कुसुम जी, तो ज्योति जी मैं ये कहना चाहूंगी कि ये शब्द ही बहुत अजीब लग रहा है, कहना कि कोई अस्वच्छ वो अपना कार्य कर रहा है तो उसकी जानकारी दी जाना, क्योंकि ये तो एक तरह से वैसे बीजेपी का एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एक मुद्दा यही चल रहा है कि जातिवाद के नाम पे बहुत ज़्यादा जो है लोगों को भटकाने की बात कर रहे हैं, और बच्चों के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ इस तरह की बात होना ये बहुत ही अजीब सी बात लगती है कि आप उसके पेरेंट्स से पूछ रहे हो कि आप मेला ढोने का काम करते हो या नहीं करते, तो बहुत ही मतलब बच्चा वहाँ पे आपको क्या सोचेगा, आप शिक्षा दे रहे हो, आप किस तरह से कैसे शिक्षा देना चाह रहे हो बच्चे को, पहली बात तो ये है, मतलब स्कूल में बच्चा जा रहा है तो वो एक अच्छे भारत का निर्माण करने के लिए जा रहा है, जो बच्चा है वो कोई ऐसा तो नहीं है कि भी हाँ आज वो पहली क्लास में जा रहा है कल उसने 10वीं में भी जाना है, लेकिन जो पहली क्लास से बच्चे की पढ़ाई शुरू होती है वो बाद तक चलती है, लेकिन आज पहली क्लास से ही अगर बच्चे के साथ इस तरह सा ऊंच नीच जात पात का जहर घोल का काम, मेरे ख्याल से आज ये बीजेपी सरकार का शरेआम दिखाई भी दे रहा है, चाहे SC ST एक्ट के की बात अगर कही जाए, तो ये जो मुद्दे हैं मेरे ख्याल से जनता को भी भटकाने वाले हैं और आम जनमानस को परेशानी के मुद्दे हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी हमारी एक बहन ने बताया कि 100 पेज का कॉलम उसमें भरा हुआ है, एक मैंने
इंश्योरेंस में जॉब की हुई है, तो उसमें इस तरह का जो मैं फॉर्म देख रही थी वो आप हर चीज का नॉमिनी किसको बनाओगे उसकी डिटेल देनी पड़ती है और कौन उसके सिबलिंग है, कौन भाई बहन क्या करता है, तो मतलब इस तरह की जानकारियां तो बड़ी अजीब लगती है कि आप बच्चों को स्कूल की शिक्षा दे रहे हो या किस तरह से आप लोगों को भटकाने का काम कर रहे हो, कौन सी शिक्षा दी जाएगी इस हिसाब से। क्योंकि अगर बीजेपी का मैं कहूं कि ये गीता ज्ञान की बात करते हैं, वो गीता ज्ञान कहीं नजर नहीं आ रहा है। हाँ। आज की डेट में वो गीता ज्ञान सिर्फ इनका किताबों तक ही सीमित है, एक इनका जो सम्मेलन करने तक कह लो सीमित है, लेकिन आम अगर जनता के बारे में बात करी जाए तो वो कहीं पर धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। फिर क्यों ना माना जाए कि बच्चों में हीन भावना भी आएगी अगर इस तरह की जानकारियां जुटाई जाएंगी। बहुत सुंदर विषय उठाया और मुझे मेरे भी प्रारंभिक स्कूली दिन याद आते हैं और प्रारंभिक मेरे अध्यापन काल का भी समय ध्यान में आता है और मुझे लगता है मेरे साथी पैनलिस्ट भी वो ध्यान में आएंगे कि जब छोटे हम क्लासों में थे तब पढ़ाया जाता था कि आपको वजीफा या मुझे फीस में छूट चाहिए और उस फीस की छूट के कारण और मुझे पुस्तक उपलब्ध कराने के कारण, दूसरी बात उसमें क्या लिखते थे हम, और दूसरी बात जब वजीफा मिलता था तो उसमें हम जाति का विवरण लिखते थे कि नहीं, और क्या आज से पहले स्कूल के SLC जो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट है उसमें या जो दाखिला फार्म है उसके अंदर या जो दाखिला रजिस्टर है उसके अंदर क्या किसी बच्चे की जाति लिखी जाती कि नहीं, और जब जाति लिखी जाती थी तो जाति पूछकर लिखी जाती थी या उसके मस्तिष्क के ऊपर लिखा था जो आप पहचान कर लिख देते थे। ये चीजें केवल जिस प्रकार से आगे आगे समय बढ़ रहा है और जिस प्रकार से खामियों के आधार के ऊपर चाहे स्कूल प्रशासन या कोई विद्यार्थी या कोई दूसरा व्यक्ति उन योजनाओं का दुरुपयोग ना करे, इसके लिए डाटा इकट्ठा किया जाता है। और जातिवाद की जिस बात को लेकर कुसुम जी ने एक प्रश्न किया, मैं समझता हूँ कि इनेलो की जाति आधारित राजनीति जग जाहिर है, जग जाहिर, हरियाणा जाहिर नहीं, जग जाहिर है। और ऐसे लोग जिन्होंने सदा जाति के आधार के ऊपर राजनीति की वो भारतीय जनता पार्टी सार्वकालिक सार्वभौमिक सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाली पार्टी, हर वर्ग का व्यक्ति का ध्यान रखने वाली पार्टी के विषय में ये कहा जाए कि ये जाति की राजनीति करने लगे, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा और एक गैर जिम्मेदार जवाब है और इसके लिए उनको वापस लेना चाहिए, कुसुम जी को अपना ये बयान वापस लेना चाहिए। शास्त्री जी, जरूरतमंदों तक ही योजनाओं का लाभ पहुंचे तो आप मानकर चलते हैं कि आपकी सरकार का जो पूरा कार्यकाल रहा इस साल को, इस सत्र को छोड़ दिया जाए तो योजनाओं का दुरुपयोग किया गया, आप ठीक लोगों तक नहीं पहुंचा पाए लाभ को? ऐसा नहीं, ये हमने तो हमारे आते तो प्रयास करके कि हम आखिरी तक सफलता तक पहुंचे, लेकिन आपको यदि डाटा मिलेगा कि जो डायरेक्ट बेनिफिट का जो पैसा था, चाहे वो एजुकेशन की फीस की बात हो, कितने लाखों विद्यार्थियों की जो नाम से वजीफा मिलता था उनके पैसा मिलता था वो कहां जाता था, ये सारे डाटा यदि राशन कार्ड के नाते तो ये सारे राजस्थान नहीं थोपने की आवश्यकता नहीं, जिसको जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ लेना है वो सरकार के नियम कानून जो है उनको पालन करना चाहिए और उसके लिए कभी कोई बात नहीं। आप बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर मुकन जी का और कुसुम जी का यदि गठजोड़ हो रहा है तो ये एक संदेश देता है हम सबको। देखिए जातियों की जानकारी अगर ली जाए, पहले से शास्त्री जी ने एक मेरे ऊपर एक ऑब्जेक्शन किया, हमारी पार्टी के ऊपर सीधा सीधा मैं कहूँ कि ऑब्जेक्शन किया कि ये एक जाति के ऊपर आधारित है ये पार्टी, लेकिन हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है, मैं अपने बयान को ठीक कर दूं, और एक जाति पर आधार का नाम नहीं लिया मैंने, कहा जाति आधार पर राजनीति करने वाली इन लोग। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, मेरे आप हमारे हमारे पार्टी में हर एक जाति के वर्ग के लोग, देखिए पार्टी पर ना आकर इस विषय पर आएंगे कि इनेलो को अगर परेशानी है जो इस फैसले से और बदलाव से तो क्यों है, इस पर रहिए। ज्योति जी मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी क्योंकि इन्होंने जाति के ऊपर कहा कि भी इन्होंने इन्हें अपने शुरुआत आपने की, मैं आपको शुरुआत आपने की मैंने नहीं की, हरियाणा प्रदेश आपने जाति की बात को लेकर आपने विशेष चुनाव हुए थे और उस लोकसभा चुनावों में अगर मेरे को एक अकेली महिला को टिकट दिया गया था तो मैं भी दलित जाति से हूँ, तो इसमें हमारी पार्टियों में जात पे जात पात के ऊपर नहीं है। लेकिन जो देखिए बात कर रहे हैं विषय पर रहिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, सभी से रिक्वेस्ट है विषय पर, विषय बताइए ना, ये 100 कॉलम पर आइए आप, 100 कॉलम में से आप 10 कॉलम, क्या ये फैसला वाकई ऐसा है, ये बदलाव वाकई ऐसा है जिस पर विपक्ष विरोध करे या फिर राजनीति की जाए? देखिए ये फॉर्म में जिस तरह के कॉलम में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अनावश्यक कॉलम रखे गए हैं, जैसे अनक्लीन बिजनेस का क्या मतलब समझ में आता है, अनक्लीन तो कोई बिजनेस होता नहीं,
कोई क्लीनलीनेस से जो लोग जुड़े हुए हैं, स्वच्छता अभियान जो चलाया जा रहा है, तो उसको आप, उसमें जो लोग लगे हुए हैं उनके बिजनेस को आप अनक्लीन बिजनेस तो कह ही नहीं सकते जे। और जाति का कॉलम तो जहाँ तक सरकार की योजनाओं के मकसद से अगर कहीं जाति का कॉलम जोड़ा जाता है तो वहाँ तो समझ में आता है कि अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग है। हाँ। वो स्कूल के माध्यम से अगर छात्रों को कुछ राहत मिलती जे। तो ये तो समझ में आता है, लेकिन ये जो व्यवसाय को लेकर अनक्लीन बिजनेस का तो ये लगता है कि कोई अनुचित बिजनेस कर रहे हैं, ये लगता है। सफाई का काम करने वाले को तो आप ये नहीं कह सकते कि वो अनक्लीन बिजनेस कर रहे हैं। दूसरे, मेला ढोने की प्रथा से संबंधित बात है तो सरकार तो दावा करती है कि हमने मेला ढोने की प्रथा ही समाप्त कर दी और कानून ने कानूनन बंद कर दिया गया, तो उसको तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो कोई भरेगा और वो उसके लिए कोई कॉलम रखा जाएगा। तो ये प्राइवेट स्कूलों का सरकारों का इन पर नियंत्रण नहीं रहा है और सरकारें जो है शिक्षा के व्यवसायीकरण को नहीं रोक पाई है और प्राइवेट स्कूलों की बड़ी मनमानी है और वो लॉबिंग करके अपने तरीके से काम करते हैं। इस पर सरकार को कुछ रास्ते खोजने चाहिए ताकि उन पर नियंत्रण रहे और इस तरह के अनावश्यक कॉलम जो नहीं आने चाहिए। अभी प्राइवेट स्कूलों का ये कहना है कि सरकार को ही ये जानकारी हासिल करनी है, स्कूलों को ये जानकारी हासिल नहीं करनी, विभाग की ओर से आदेश आए तो प्राइवेट स्कूलों का रुख साफ है इसमें। दादून साहब, प्राइवेट स्कूलों को तो सरकार के नियंत्रण में ही चलना चाहिए, उनको अपने स्तर पर ये मनमाने तरीके से जो अपना काम वो शुरू कर देते हैं ये ठीक नहीं है। और प्राइवेट स्कूल जो है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जो उनको एडमिशन दिए जाने थे उसमें वो हमेशा जो है कोताही करते रहे हैं और ना उनका जो है उनसे बचने का प्रयास करते रहे हैं, तो वो अधिनियम पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रहा है। और खासतौर से हरियाणा में ये स्थिति है कि बार बार जो है सरकार के स्तर पर इस मुद्दे पर बातचीत के बावजूद प्राइवेट स्कूलों ने ये इस पर कंप्लायंस नहीं की, इस पर अमल नहीं किया, ये हुआ। शास्त्री जी, इस बात को डिफाइन किया जाए कि अस्वच्छ कोई पेशा है तो वो कौन सा है, सरकार कौन से पेशे को मानती है? देखिए, पहले तो राजेंद्र जी के जो प्रश्न है कि सरकार यदि जाति कोई बेनिफिट देना चाहती है तो जाति की बात आ सकती है। हाँ। लेकिन इस बात से कोई नकार नहीं सकता कि यदि प्राइवेट स्कूलों पर इस प्रकार का प्रेशर आया कि आपने कितने एडमिशन 134A के तहत किए, उसकी जानकारियों के अंदर यदि इस प्रकार की सारी जानकारी इकट्ठी नहीं की जाए तो मैं समझता हूं कि बहुत सी चूक हो सकती है। अनेक स्कूल इस प्रकार के डाटा इकट्ठा करके स्कूल विभाग को भेज दें जिससे कि वो इस बात से बच जाएं कि जो उसमें से लाभ, जो लाभार्थी थे उनको लाभ ना मिले। क्या है, स्वच्छ तो नहीं, ये सारी जानकारियां मिल जाएंगी कि लाभार्थी तक ही आप सुनिश्चित कर लेंगे कि लाभ जाएगा। आधार कार्ड की आप जानकारी ले रखी है, पैन कार्ड की जानकारी ली जा रखी है, बैंक खाते की, साथ ही टैक्स को लेकर सवाल किए जा रखे हैं, फिर पेशे को लेकर के स्वच्छ है या फिर साफ है, क्लीन है या फिर नहीं है, ये कितना सही है, बड़ा सवाल है अपने आप में। देखिए, इस कानून के तहत यदि आप देखेंगे, एक मिनट क्वेश्चन, इस कानून के तहत यदि इसके मूल कानून की तरह देखेंगे तो अशुद्ध व्यवसाय ये उस समय 2011 के अंदर जो कानून बना उसके अंदर था और उसको डिफाइन करने के लिए कि कहीं आज भी तो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि सरकार की नज़रों में तो हमने तो सब कुछ साफ कर दिया कि ऐसा कोई नहीं होगा, लेकिन यदि कोई पेरेंट्स ऐसा कहता है कि ऐसी स्थिति आएगी तो उसके ऊपर कोई और रास्ता नहीं हो सकता। बच्चों के जो दाखिले के फॉर्म होंगे उसी में जाना जाएगा कि आपके अभिभावक तो इस तरह के पेशे से नहीं जुड़े हैं, क्या उसके लिए कोई और तरीका नहीं है? उसके साधन और भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक साधन। शास्त्री जी, मेरे से क्वेश्चन किया जा रहा है तो मेरे को जवाब देने दीजिए। जो ये पेशे की भी बात कर रहे हैं, दूसरा ये कह रहे हैं कि बच्चों को जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए, बच्चों को 10% तो पहले ही बेनिफिट्स घटा दिए गए थे। जब एडमिशन की बात आती है बच्चों को एडमिशन ही नहीं मिलते, बीपीएल के कार्ड्स वाली जो संस्था प्रथा है उसमें बच्चों को एडमिशन नहीं मिलते, उसमें गोल गोल घपले हो जाते हैं, दूसरे बच्चों को एडमिशन मिल जाते हैं। लेकिन जो जिस बच्चे को एडमिशन मिलना चाहिए, जिसकी ये बात कर रहे हैं कि जाति कौन सी है, उस बच्चे को एडमिशन ही नहीं मिलता, वो बच्चा फिर वहीं का वहीं रह जाता है। तो आज जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही चरमरा चुकी है। आज स्कूलों का जो हालात है, जो प्राइवेट स्कूल है वैसे तो उन्होंने एक बिजनेस बना रखा है, क्योंकि उन्होंने चाहे किताबों वालों के साथ टाई अप कर रखा है, किताबें मिलेंगी उन्हें तो स्कूल से मिलेंगी, कहीं बाहर से बच्चा किताबें नहीं खरीद सकता, वर्दी मिलेगी तो उनकी उसी दुकान से मिलेगी जहां पर उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, तो जहां से उनको कमीशन जाता है स्कूलों को। तो इस तरह के प्राइवेट स्कूल में तो इस तरह का ऑलरेडी बिजनेस बना रखा है। तो आम जो गरीब जनता जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए, जिस जाति के लिए आप बात कर
रहे हैं वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। उन बच्चों को कहीं ना एडमिशन में बेनिफिट मिल रहा है, ना और किसी चीज में उसकी उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ना एडमिशंस में मिल रहे हैं। तो आप बताइए कि आप ऊपर से आप जाति की बात करते रहते हैं कि कौन बच्चा है उसकी जाति पता होनी चाहिए, और फिर उस बच्चे के साथ इतना जात पात का जहर घोल दो कि आप स्कूल में भी, और बच्चा जो है वो अपने आप को डिप्रेशन में फील करता है, वो आम बच्चों से अपने आप को कम समझता है। तो आप बच्चे की पोजीशन देखिए कि बच्चे के साथ क्या बीतती है, आप आम लोगों की जो विचारधारा है उसके ऊपर जाइए। जी शर्मा जी, देखिए अगर बदलाव किया जाता और सकारात्मक बदलाव किया जाता तो बहुत सारी गुंजाइश थी, संभावना थी और जरूरत भी है, लेकिन बदलाव सरकार करती है, इस तरह के बदलाव नजर आते हैं। जी, मैं इसको थोड़ा विस्तृत रूप से आपको बताना चाहूँगा, ये उससे जुड़ा हुआ एक चीज़ है। जैसे हमारी इन लोक प्रवक्ता महोदय ने भी बताया, स्कूलों पर इनका नियंत्रण नहीं है। पिछले 3 साल से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वर्दी कहाँ से लेनी है, बुक्स कहाँ से लेनी है, यहाँ तक कि जूते और टाई कहाँ से लेनी है, सारे प्राइवेट स्कूलों ने फिक्स कर रखे हैं, अपने अपनी दुकानें एक तरह से चलाई हुई हैं, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। 134 ये पर एक RTI पीछे आई थी, वो मतलब आज मैं ले नहीं पाया, आपको बताऊंगा, जो इन्होंने एडमिशन देने थे उसके ये 10% तक भी नहीं दे पाए, 25% किसी किसी स्कूल की आंकड़ा था वो 10 जमा, तो यहाँ पर वो खुद स्कूल संचालक, हाँ नहीं मैं बताऊँ, सरकार में ही हुआ था 25% का प्रतिशत, मैं सरकारों की बात नहीं कर रहा, इसमें देखिए क्या होता है, सरकार तो अब आप यू कहोगे, अब 15 साल से जब आपकी सरकार ही नहीं है तो आपसे तो गलती हुई नहीं, ये तो ये मैं मानता हूँ, मैं स्कूल पर जाता, मैं सरकार पर नहीं जाता। ज्योति जी ने जो कहा है मैं उसको बताना चाहता हूँ थोड़ा, कि स्कूलों पर उसके बाद एक बहुत बड़ा विषय है जो इस पर आगे भी आप बहस कर सकते हैं, अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल से शुरुआत करते हैं स्कूल वाले, और उसमें कुछ समय प्रावधान है, 5 साल या 6 साल 7 साल के बाद स्थायी मान्यता लेनी पड़ती है। 20-20 साल से अस्थायी मान्यता लिए हुए हैं, जो अस्थायी मान्यता लिए उन पर कुछ अलग नियम लागू होते हैं, फिर स्थायी मान्यता पर अलग नियम, और उसके बाद रिव्यू, सरकार स्थायी मान्यता देती है उसके बाद भी रिव्यू होता है, विषय से जुड़ा है, हाँ इसी रिव्यू, हाँ बिल्कुल है। तो जब उन पर नियंत्रण नहीं रहता ना, 1-2 साल वो देख लेते सरकार को, फिर वो अपनी मनमर्जी चलाने लग जाते हैं, तो उस मनमर्जी के विषय में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिससे अभिभावक भी परेशान होते हैं, बच्चों का भी शोषण होता है, ठीक है, तो वो सरकारी फायदा तो उठाते हैं लेकिन जिम्मेवारी से भाग जाते हैं। जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने अभी तक जरूरी नहीं बताया है तो स्कूलों में दाखिले के लिए जरूरी क्यों, जरूरी क्यों, मैं यही कहना चाहता हूँ आधार कार्ड पे। देखिए हम उस सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय पर जो आएगा उसको सरकार मानने के लिए बाध्य होगी, लेकिन तब तक सरकार के पास ऐसा भी कोई सूचना नहीं है कि आप उसका आधार का प्रयोग ना करें, और सरकार ने यह तय किया क्योंकि पिछली सरकारों के अंदर बहुत से इस प्रकार का अनियमितताएं पाई गई कि आधार के बिना आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, और बहुत बड़ा हजारों सैकड़ों करोड़ रुपया जो है सरकार का अनावश्यक लोगों के हाथों में गया। प्राइवेट अस्पतालों की हमने बहुत सारी खबरें ऐसी दिखाई शास्त्री जी, जिसमें बिना आधार कार्ड के उपचार नहीं हो पाता, मौत हो जाती है। तो दाखिला फॉर्म के इस बदलाव ने राजनीति को बड़ा बुलावा दिया है, विपक्षी दोनों ही पार्टियां सरकार के खिलाफ आ गई हैं इस मुद्दे को लेकर, फॉर्म को रद्द किया जाए, फैसला वापस लिया जाए, बदलाव ना किया जाए, ये मांग जोरों पर है। हरियाणा में शिक्षा विभाग पहले ही लगातार अलग अलग सवालों के घेरे में रहा, पहले की शिकायतों का समाधान अभी मिला नहीं था कि एक बार फिर विभाग विपक्ष के निशाने पर आ गया। दरअसल सूबे में स्कूली छात्रों से एक लंबा प्रवेश फॉर्म भरकर ये बताने को कहा गया है कि क्या वो किसी अनुवांशिक विकार से ग्रसित तो नहीं है, या फिर उनके अभिभावक अस्वच्छता से जुड़े पेशे में तो नहीं है। ये सवाल अभिभावकों के लिए भी परेशानी का विषय बना ही था, लेकिन बच्चों के दाखिले से पहले ही विपक्ष की सियासत ने दाखिला ले लिया है। विपक्ष ने मुद्दे को हाथों हाथ लिया, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं से ऊपर की कक्षाओं के छात्रों को भी प्रवेश फॉर्म में उनका और उनके माता पिता का आधार क्रमांक, माता पिता का पेशा और शैक्षणिक योग्यता बताने के लिए कहा गया है। फॉर्म में ये भी बताने को कहा गया है कि क्या उनके अभिभावक किसी मलिन व्यवसाय से तो नहीं जुड़े हुए, क्या वो आयकर भरते हैं, उनके धर्म, जाति के विवरण, अनुवांशिक विकार अगर कोई हो तो छात्र के बैंक से जुड़े विवरण बताने के लिए भी कहा गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी सरकार कर रही है हरियाणा के लोगों की जासूसी, बच्चों के एडमिशन फॉर्म में मांगी जा रही है आपत्तिजनक निजी जानकारियां, खट्टर सरकार वापस ले एडमिशन फॉर्म की शर्तें और मांगे हरियाणा के छात्रों और उनके पिता से माफी। तरह की जानकारी स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म के माध्यम से खट्टर सरकार ने हर विद्यार्थी से हरियाणा के मांगी, ये स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म नहीं,
ये पेरेंट और स्टूडेंट सर्विलेंस एडमिशन फॉर्म बन गया है। क्यों खट्टर साहब मां बाप का आधार अकाउंट जानना चाहते हैं? क्यों वो उनका इनकम टैक्स का नंबर जानना चाहते हैं? क्यों उनके बैंक अकाउंट की जानकारी चाहते हैं? उनके धर्म और जाति की जानकारी चाहते हैं? क्या सफाई कर्मचारी का काम उन्हें स्वीकृत नहीं? क्या मजदूरी का काम उन्हें स्वीकृत नहीं? क्या हाथ से मजदूरी कर अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाने का काम अब गंदा धंधा बन गया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शर्मसार होना चाहिए इस प्रकार की रेशियल, रिलीजियस और अनाप शनाप अनर्गल बातों के लिए। ये जो हरियाणा सरकार है, ये तुगलकी सरकार है, इस किस्म के आदेश करती हैं जैसे मोहम्मद तुगलक करते थे, और उनको वापस लेते हैं। अब ये मैं इसका औचित्य नहीं समझा। 100 के करीब सवाल जवाब पूछ रखे हैं, और वो प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू कर रखे हैं। मैंने आज अखबार में पढ़ा, पूरा तो मैंने फार्म नहीं पढ़ा है, लेकिन जो मेरे को अखबार के द्वारा जानकारी मिली है, ये बहुत अजीब और गरीब फैसला है। और मैं समझता हूँ अपने तजुर्बे के आधार पर, जैसे मैंने कहा तुगलकी सरकार है, इसका भी इनको वापस लेना पड़ेगा। इनेलो ने भी दाखिला फॉर्म को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। इन्होंने किया है, केवल और केवल ये सरकार कंट्रोवर्सी खड़ा करने का काम करती है। इस सरकार ने आज तक कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया जिससे आम लोगों को लाभ मिला हो। आम लोगों ने खड़े होकर के ये कहा कि सरकार का निर्णय प्रदेश के हित में है। आप एजुकेशन को बढ़ावा मिले उसके लिए टीचर्स की भर्ती करो, उसके लिए कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, वो काम नहीं कर रहे। उल्टा कोई ऐसा परफॉर्मा बना करके लेकर के आते हैं जो एक चर्चा का विषय बन गया। रामविलास शर्मा से ये उम्मीद नहीं करते हम लोग कि वो इस तरह के कोई फार्म आगे करने का काम लोगों का मुझे लगता है कि शायद रामविलास शर्मा जी ने ध्यान से उस फार्म को देखा नहीं होगा। मैं उनसे बात करूंगा कि आप इसको विड्रा करें ताकि लोगों के अंदर बिना मतलब का एक भ्रम फैला। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर इस मामले में कुछ अलग ही सोच रखते हैं। उनका कहना है कि जाति प्रथा तो बहुत समय से चल रही है, जाति बताने में कुछ गलत नहीं। जाति लिखने से कोई जातिवाद नहीं होता। मान लीजिए मैं गुज्जर हूँ तो इससे कोई जातिवाद नहीं। अगर मैं ऐसा व्यवहार दूसरे लोगों के साथ करूँ, गुज्जर का पक्ष करूँ, दूसरों के साथ गलत करूँ, तो फिर मैं गलत करता हूँ। लेकिन जाति तो सबकी यही है, जाति प्रथा, जाति इस देश में एक सच्चाई है, और इसमें मुझे कोई बुराई भी नहीं लगती। जाति में कुछ लोगों को लगती है, मुझे नहीं लगती कोई बुराई, लेकिन जातिवाद फैलाना बुराई है। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति काबिल है दूसरी जाति का और उसको इग्नोर करके मैं अपनी जाति को प्रोत्साहन दूँ तो वो गलत है। राष्ट्र के हित में ही है कि सबको साथ लेके चले, सबके लिए काम करे। जाति है ये हजारों साल से, लाखों साल से चली है इसको। पूरे मामले में सवाल तो कई हैं, लेकिन जो सबसे दिलचस्प है वो शिक्षा मंत्री का बयान है कि हमने कोई बदलाव ही नहीं किया। खुद ही सुन लीजिए। देखिए, जो एडमिशन का फॉर्म होता है उसमें एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, ये कोई नया नहीं है, ये पहले भी था। जैसे हम जब दाखिल हुए तब कद काट के हिसाब से दाखिल कर दिए, भाई 6 साल का होगा ही, तो ये कोई नई बात नहीं है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि सरकार इस तरीके से निजी जानकारी नहीं मांग सकती और ये गलत है। अभय चौटाला ने भी कहा है कि मैं आपसे मिलकर नहीं, कौन सी निजी जानकारी, उसमें ये पूछा है सर, एक आवेदन में ये लिखा है कि जो बच्चे का पिता है वो क्या करता है, कोई अशोभनीय टाइप का व्यवसाय करता है, यानी मतलब अनक्लीन ऑक्यूपेशन में तो नहीं है, सफाई का, कूड़ा उठाने का, इस तरीके। पवन, हमने कोई नया फार्म नहीं, जो ऑलरेडी व्यवस्था चली आ रही थी उसी के हिसाब से, और आप जानते हैं भाई बच्चे के माँ बाप की जानकारी, उसका जो पोस्टल एड्रेस है, उसका जो परमानेंट एड्रेस है, वो तो मांगा ही जाता है। जाहिर है मामले में सरकार का पक्ष अभी बहुत साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब अभिभावकों का कहना है कि परेशानी है और विपक्ष के आरोप है कि सरकार आपत्तिजनक जानकारियां मांगकर जासूसी कर रही है, सरकार माफी मांगे और फैसला वापस ले, अब सरकार के अगले कदम पर सबकी नजरें जरूर बनी है। चंडीगढ़ से खबरें अभी तक के लिए कुमार रमेश की रिपोर्ट।
जब मंत्री जी को जानकारी ही नहीं है और मंत्री जी कहते हैं कि कुछ भी अतिरिक्त या नया नहीं किया गया है, तो जो फॉर्म जारी किया गया है जिस पर हरियाणा सरकार का लोगो भी है, ये किसने जारी किया है? इसका जवाब लेंगे बीजेपी से प्रवक्ता के हमारे साथ। शास्त्री जी, आपने कहा कि शिक्षा मंत्री को सुनवाया जाए, हमने सुनवाया भी, वो कहते भी नजर आए कि कुछ भी नया नहीं किया गया है, पहले भी ये जानकारियां ली जाती रही, तो ये फॉर्म कहां से जारी हो जाता है फिर जब मंत्री जी को जानकारी नहीं? देखिए, मंत्री जी ये नहीं कह रहे कि जानकारी नहीं है, मंत्री जी ये कह रहे हैं कि पहले की जानकारियों में कुछ जानकारियां जोड़ी जाती हैं समय के साथ, आवश्यकता के साथ, उतना तक किया गया है इसके अंदर जी। और ये चीजें कोई नहीं शुरुआत हुई है, कहा कि नया जोड़ा गया, उन्होंने कहा कि ये जानकारियां पहले भी ली जाती रही, ये लंबे समय से नया कुछ भी नहीं किया गया है, उन्होंने साफ कहा। उन्होंने नहीं कहा कि कुछ भी नया जोड़ा गया है, नया फैसला लिया गया है, किसी भी तरह का बदलाव किया गया है। जब पेशे को लेकर भी उनसे सवाल किया गया तो उस पर भी वो इनकार करते नजर आए। बताइए, पेशे से संबंधित जो बात है वो तो डायरेक्ट बेनिफिट हम उनको बीपीएल परिवारों को ही दे रहे हैं ना जी। जी, तो उसके अंदर तो वो तय करना पड़ेगा, उसको जस्टिफाई करते, उसको डिफेंड करते, उसको इनकार क्यों किया गया? नहीं होगा, नहीं मंत्री जी, पता नहीं होगा। आप अपनी बात समय आए ना, आपने कहना खूब अच्छी तरह कहना, मेरे मुंह में शब्द डालने की आवश्यकता नहीं, मैं सक्षम अपनी बात को रखने के लिए, कोई बात नहीं है। मंत्री जी की बात यह है कि जिस प्रकार के नियम कानून में व्यवस्था है और उसके साथ कुछ परिवर्तन कानूनी होते हैं तो उसके साथ कुछ एडिशनल जानकारियां जोड़ी जाती हैं जो यहां भी जोड़ी गई। नहीं शास्त्री जी, देखिए आप जवाब पर नहीं आए, रामविलास शर्मा की ओर से नहीं कहा गया कि कुछ भी नया जोड़ा गया है, उन्होंने कहा ये जानकारियां पहले भी ली जाती रही। क्या पेशे को लेकर पहले सवाल किए गए? क्या आधार कार्ड को लेकर, टैक्स को लेकर, बैंक खाते से संबंधित जानकारियां पहले ली गई, पैन कार्ड का नंबर या बाकी जितनी भी चीजें जिससे कि दिक्कत परेशानी है खासतौर पर पेशे को लेकर? देखिए, पेशे से संबंधित बात जो है वो बीपीएल परिवार का और उसमें स्वच्छता अस्वच्छता का जो मापक है कि इसकी मूल भावना जो कानून की थी कि भाई किस प्रकार के निम्न स्तर के व्यक्ति जो जीवन यापन कर रहे हैं उनका जीवन कैसे ऊपर उठे, उनका एजुकेशन से कैसे लगता है। लेकिन रामविलास शर्मा को जो लगता है वो बहुत अलग है। वो कहीं ज्योति जी आपने नहीं कहा, लेकिन हरियाणा सरकार का लोगो है इस फॉर्म पर जो कि नया, दो प्रतियां जो है इसके अलग से जारी की गई है, दो पन्ने नए जोड़े गए हैं जो कि इसमें नहीं आप जिस प्रकार से रामविलास जी को घेरना चाहते हैं वो ठीक नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर है और सोच समझकर बयान देते हैं, सोच समझकर जो काम किया है उनसे उम्मीद की जाती है कि उनके विभाग में अगर बदलाव हो तो उस बात को स्वीकार करें। हुआ है ऐसा क्यों हुआ है, उसके फायदे या नुकसान क्या है, सरकार की मंशा क्या है? नहीं, सरकार की मंशा ठीक है, पहले भी ये जानकारियां हासिल की जाती रही। सर आप बता दीजिए, पहले कभी जानकारियां हासिल की गई? देखिए, जिस समय जैसी आवश्यकता थी, मुझे लगता है कि आपके पापा ने भी जब आपका एडमिशन फॉर्म भरा होगा तो आपके उस कॉलम में जाति लिखी होगी निश्चित रूप से। आप एक बात सोचिए, मैं अध्यापक रहा हूँ, 22-23 साल मैंने सरकारी स्कूलों में पढ़ाया है। हम जब कक्षा में जाते हैं तो वहां कोई रो नहीं बनती कि ये इस वर्ग का बच्चा है, ये इस वर्ग का बच्चा है, ये वर्ग का, ये केवल ऑफिसर। एक मिनट को समझिए, आप सवाल नहीं समझे शायद। आप सवाल ये है कि मंत्री जी ने क्यों नहीं कहा? वो कहीं का नहीं देखता, ये घंटा हो जाएगा, ये इसी बात में एक घंटा खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, ये आप सोच कर चलिए कि किसी अध्यापक ने आज तक किसी विद्यार्थी को इस रूप में यदि बैठाया हो कि वो विद्यार्थी इस वर्ग का है तो इस लाइन में बैठेगा और इस वर्ग का है तो इस लाइन में बैठेगा। करेंगे, आपकी पूरी मजबूरियां हैं, आप आए हैं मजबूरी नहीं, लेकिन मंत्री जी क्यों नहीं कहते? मंत्री जी क्यों नहीं कहते? मैं अपने अध्यापक के लिए देख सकता हूं। मंत्री जी क्यों नहीं कहते? मंत्री जी क्यों नहीं कहते? मंत्री जी क्यों नहीं कहते? उसके अंदर पंक्तियां बनती हो। चलिए आप रुकिए फिलहाल के लिए, समझे वो कमजोर और विचार के लिए तो बन सकती है, लेकिन जाति आधार पर व्यवस्था क्लासरूम में नहीं होती और निश्चित रूप से इस बात को क्लासरूम तक रखना चाहिए बाहर नहीं। दिखाई दे रहा है आप लोगों मीडिया के माध्यम से, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसका मतलब मंत्री जी को इस चीज की जानकारी बिल्कुल नहीं और या हमारे साथी प्रवक्ताओं को नहीं है। तो लेकिन आप ये बताइए, बीपीएल की बात कर रहे हैं, मेरे को ये बताइए कि उन बीपीएल बच्चों का अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं 16 सेक्टर में रहती हूं, वहां पर हमारे साथ राजीव कॉलोनी है और ऐसी कई बस्तियां हैं जहां से लोग हमारे पास आते हैं। आधार कार्ड एक बहुत बड़ी बीमारी इन्होंने बना दी है आज की डेट में। अगर आप, हम लोगों ने पहले भी इसके ऊपर काफी डिस्कशन किया है कि लोग भी मर जाते हैं लेकिन आधार कार्ड जो है वो इस तरह की बीमारी है कि आप लोग उसको परेशानी के सिवाय कुछ नहीं दे रहे हो। लेकिन आम अगर जनमानस की बात करे हो, गरीब लोगों की बात करे हो, पढ़ाई की बात करे हो, सरकारी स्कूलों या प्राइवेट स्कूलों की बात करे हो, तो मैं ये कहना चाहूंगी ज्योति जी कि लोग इतने परेशान
हैं जो बच्चे अपने गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कहीं तो वो आधार कार्ड के लिए घूम रहे हैं, कहीं अपनी जन्म पत्रियां बनाने के लिए घूम रहे हैं, वो लोग कागज ही इकट्ठा करते रहते हैं बेचारे, लेकिन उनके कागज ही पूरे नहीं होते हैं। इतनी परेशानियां आज इस सरकार ने पैदा कर दी है, आम जनमानस जो है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रखा है। ज्योति जी मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जो बच्चे जो मेधावी बच्चे हैं, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो लोग भी बहुत कहीं ना कहीं वो अपने आप को इस तरह से परेशानियों में झेल रहे हैं कि जहां उन्हें एडमिशन मिलना चाहिए था उनको एडमिशन नहीं मिलता। चलिए प्राइवेट स्कूलों का पक्ष जानेंगे, कुलभूषण शर्मा है हमारे साथ। शर्मा जी आपका बहुत स्वागत है, आप ये बताइए क्या विभाग की ओर से आप लोगों को कुछ नया आदेश मिला है कि बदलाव किया जाए कि एडमिशन फॉर्म जो है उसमें नई जानकारियां हासिल करें आप लोग? देखिए ये विभाग की तरफ से जो आदेश मिल रहे जानकारियां लेने के लिए, और नए नए आदेश रोज दिए जाते हैं, जैसे अब ये पेरेंट्स के व्यवसाय को लेकर आदेश है सरकार, मैं कहता हूँ ये आदेश देने के बजाय शिक्षा देने का काम करे। हाँ। हमारे ना शिक्षा मंत्री को इसकी चिंता है, ना किसी राजनेता को चिंता है, सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की बात कर रहे हैं, किसी को गरीब की चिंता ही नहीं है। और मैं आपको कह रहा हूँ हमारी एसोसिएशन ने ये मांग उठाई, अभी रामलीला मैदान में भी हमने प्रदर्शन किया कि आप इन चक्रों में क्यों पढ़ रहे हैं कि गरीब को शिक्षा चाहिए ना जी। सबसे बड़ा मुद्दा है कि गरीब को शिक्षा मिले, और कैसे मिले तो उसका सीधा ये है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात कही है उसका अनुसरण करें ना। आप डीबीटी करें एजुकेशन में, यही एक हल है जो माननीय मोदी जी कह रहे हैं। अगर डीबीटी कर दी जाए और 2500 रुपए का वाउचर सभी बच्चों को दे दिया जाए, फाइनेंशियली एम्पावर्ड कर दिया जाए, तो शायद सभी बच्चों का हल हो। आप अपने मुद्दे पर आ गए कुलभूषण शर्मा जी, लेकिन आप ये बताइए क्या कुछ भी नई जानकारियां नहीं मांगी जाएंगी? शिक्षा मंत्री फिर क्यों कहते हैं इस तरह की बातें कि ये जानकारियां जो हम मांग रहे थे ये तो पहले से ही आदेश थे, पहले से ही थे इस तरह की चीजें जी। जो जानकारियों की बात है, सपोज कर लो कोई अपराधी है, उसका बच्चा अपराधी नहीं है जी, उसका बच्चा अपराधी नहीं है, कोई गलत व्यवसाय करता उसका बच्चा गलत नहीं है, ये बच्चों की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, वो तो मासूम बच्चे हैं, उनके ऊपर ऐसी जानकारियों का बोझ नहीं। उनको तो राइट टू एजुकेशन कहता है कि स्कूल आइए और उनको पढ़ाना, हर बच्चे को पढ़ाई का हक चाहिए। हाँ। शिक्षा का हक चाहिए, ये जानकारियों के झमेले में बच्चा नहीं पढ़ना चाहिए, मैं आपको साफ सी बात कहूँ। और बच्चे को शिक्षा तभी मिलेगी जब एजुकेशन वाउचर मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा, उसको जैसे हर स्कीम में पैसा मिलता है, ऐसे स्कीम में पैसा दिया जाए कि आपको पैसा दिया जाएगा इतना, और किसी भी स्कूल में आप जाइए, सारे जी आपने सुना अभी इलाज है, शिक्षा दे दीजिए, इस तरह के आदेश ना दिया अच्छा, जाए तो बेहतर अच्छा है। एक सजेशन इनकी ओर से है, जरा पूछिए सरकार के अंदर जो अध्यापक बनने के प्रयास में है, तो क्या इनकी योजना से उन जो अध्यापक भर्ती होंगे गवर्नमेंट स्कूल के लिए उतनी तनख्वाह आप विद्यालय वाले दे देगा? पूछना चाहिए कि क्या वो 2500 रुपए का जो आप पैकेज मांगने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये श्योर कर देंगे कि गवर्नमेंट का रूल जो है वो आप वेतन के अंदर लागू करेंगे? आप कुछ बात बताइए, और मैं इस विषय पर दोनों बातों क्लियर करना चाहता हूँ। यदि गरीब के हक में यदि राजनीतिक पार्टियां हैं तो सरकार जब कड़े कानून लगाती है तो सरकार का साथ देना चाहिए। आप दोनों हाथों में लड्डू कैसे रखेंगे? राजनीतिक पार्टियां सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का विरोध करती है, दबाव ना हो कि उसके पेरेंट्स, ये कहां से हो गया? आप से पेशे से जुड़े हैं, ये आप मुझे बताइए कौन से क्लास का बच्चा जाएगा, इससे शिक्षा का कौन सा स्तर जो है उठ जाएगा? गुणात्मक जो सुधारों की जरूरत है या माकूल माहौल जो मिलना चाहिए क्या वो हो जाएगा? शास्त्री जी, जी मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से आप जो निम्न स्तर पर जो जीवन यापन कर रहा है, जो बीपीएल का परिवार है, उस परिवार को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार का एक पैकेज की बात कर रहे हैं कि पैकेज तो है अगर ऐसा हो जाए, लेकिन यदि हम इस प्रकार की बातों के अंदर उलझेंगे कि एक तरफ तो हम सरकार के द्वारा उठाए गए गड़े कदमों का विरोध करें और दूसरी तरफ चाहें कि हम वो बच्चों को शिक्षा भी मिल जाए, उन स्थानों पर मिल जाए, ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। आपको एक पक्ष रखना पड़ेगा कि यदि आप उनको आप लोग परिभाषित करेंगे कि अस्वच्छ ये पेशा है तब जाकर शिक्षा मिलेगी, उसके बाद आप मुझे एक बात बताइए, आज मुझे बताइए कि बच्चे के आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर उसकी तार कैसे जुड़ेगी? ज्योति जी मुझे आप बताइए, शर्मा जी इससे शिक्षा का क्या लेना देना है, ये समझना बेहद मुश्किल है। मैं उस पहले भी इस मुद्दे पर आया था और मैं अब भी ये कह रहा हूँ,
आजादी के बाद समानता के अधिकार, समानता का अधिकार ये सारी बीमारी तो कांग्रेस की पैदा की हुई है। समानता समानता के कारण से देश के अंदर जातिवाद, सांप्रदायिकवाद, ऊंच नीच का भाव और भाई भतीजावाद के जनक कहां से हुआ? ये शुरुआत है कांग्रेस के कारण से। इस देश के ऊपर 70 साल के अंदर जो व्यवस्था हो जानी चाहिए नहीं हो पाई। नहीं, ये पूछना चाहता हूँ अनक्लीननेस का, ये क्लियर करे पूरे, ये इसको पूरे स्पष्ट विवरण के साथ क्लियर करे। अनक्लीननेस से इनका क्या अभिप्राय है? मैं कहता हूँ इन 100 में से एक पर ही क्लियर कर दे। ये गोल गोल घुमा रहे हैं, ये समय लेना चाहते हैं। मैं इस मेरा कुसुम जी मेरा एक है अनक्लीननेस पर ये क्लियर करें। मैं ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप क्या चाहते हैं? समानता का अधिकार दे, आजादी में आजादी, आजादी। ज्योति जी मैं तो ये कहना चाहूंगी सरकारें जो हैं वो सरकारी स्कूलों के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं? अगर आप गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आप लोग हरियाणा में जाकर के देखें कि हरियाणा में सरकारी स्कूलों की आज क्या व्यवस्था है। स्कूलों में टीचर ही नहीं है, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? बच्चों के लिए कोई पुस्तकें नहीं है, बच्चे पढ़ाई किस तरह से करेंगे? बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है, किस तरह से उनको वो अच्छी शिक्षा ले सकते हैं? स्कूलों का स्तर क्यों नहीं बढ़ाने का काम कर रही है सरकार? आए दिन एक स्लोगन तो कर देते हो आप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दिलाओ बेटियों को, लेकिन वो कहीं आप साबित तो करिए, कहीं पर दिखाई तो दे कि भी हाँ आप बेटियों के लिए कुछ कर रहे हो। कहीं पर तो आप अपनी ही बात पर कहीं आप खड़े उतरिए। क्यों नहीं आप स्कूलों को उच्च स्तर पर लेकर के जा रहे हैं आज? आप क्या प्रभाव डालना चाहते हैं? आप मुकुंद जी मुझे एक बात बताइए, ज्योति जी एक बात तय करके बताइए कि जो बच्चा प्राइमरी का बच्चा है, मिडिल का बच्चा है, वो स्वयं अपना बस्ता को लेकर जाता है या एडमिशन के लिए उसका पेरेंट्स से जाता है? आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर आज तक भी जो पेरेंट्स हैं इनके बच्चे भी हैं, कौन से बच्चे हैं जिनके बच्चे स्वयं स्कूल जाकर फॉर्म भरकर उसका एडमिशन लिया? किसी के यहाँ बैठने वाले किसी के भी बच्चे इतने समर्थ हुए हैं क्या? हुआ है कि वो एडमिशन का फॉर्म स्कूल में जाता है और डाटा भर के स्वयं लेकर जाता है? एक भी बताइए मुझे, मैं जिस बात की बात कर रहा हूँ कि वो जो ऐसा कौन सा बच्चा है और कौन सा पेरेंट्स ऐसा है जो पेरेंट्स ये कहता है मेरा बच्चा स्कूल में गया और फॉर्म भर के लेकर उसको सारी डाटा भरना पड़ता है? जब तक वो कॉलेज में नहीं जाता तब तक उसके साथ पेरेंट्स रहता है और पेरेंट्स की डिटेल मंत्री जी को आपने अभी सुना, अभी और से इनकार कर दिया गया किसी भी तरह के बदलाव से, फिर क्या मानकर चला जाए जाधवन साहब? क्या विभाग जो आदेश दे देता है, जो बदलाव कर दिए जाते हैं, मंत्री जी को जानकारी नहीं उनकी? फिर बिल्कुल बिल्कुल, ये तो साफ ही दिखाई दे रहा है कि मंत्री जी जो है उनके काबू से बाहर स्थिति, और वो सिर्फ जो है सरकार को एक अधिकारी इनको जानकारी दे। एक ये है कि सवाल को जवाब जो है किसी तरह से वो अपने जो तर्कहीन जवाब है उनका कि ये कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये पहले से ही चला रहा है, उनको ये देखना चाहिए था, ये वो ये कहना चाहिए था कि हम इसकी जांच करवाएंगे, इसकी जांच होनी चाहिए थी कि भाई वो उसमें जब हमने कोई परिवर्तन नहीं करवाया और ये शिकायतें इस तरह की आ रही हैं तो वो क्या शिकायतें हैं? तो उन्होंने इस तरह का कोई ना उन्होंने कोई डिक्लेरेशन करके और उन्होंने एक तर्कहीन जवाब दिया है कि पहले कोई अब परिवर्तन पहले से चला आ रहा है और अभी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। परिवर्तन की तो जो शिकायतें लोग लेके पहुंचे हैं उसका जवाब उन्होंने कहां दिया? तो ये स्थिति ठीक नहीं है। प्राइवेट दाखिले के फॉर्म दिखाए गए कि क्या क्या, और ये कॉलम जो है तमाम बना दिए गए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये है कि सरकारी बेनिफिट की जो योजनाएं हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए और इसके अलावा जो बीपीएल वर्ग के लिए, वो तो सब सरकार के लेवल पर सर्वे किया हुआ है। आपको सिर्फ उसमें वो अपनी कैटेगरी मेंशन ही करनी है, लिखना है कि भाई हम इस कैटेगरी में हैं और बाकायदा उसके सर्टिफिकेट देने होंगे। तो ये सर्वे बीमारियों का सर्वे स्वास्थ्य विभाग करता है अपने स्तर पर, सारे आर्थिक आधार पर जो सर्वे है वो भी जो है सरकार की योजनाओं के लिए तमाम पहले से ही होता रहता है। प्राइवेट स्कूलों को ये क्या सूझी है कि वो इस तरह के कॉलम उन्होंने उसमें डाल दिए, उनका कोई उपयोगिता नजर नहीं आती और ये लगता है कि अनावश्यक जो है अभिभावकों को परेशान करना और उनका मनोबल गिराने का एक तरीका है। भूषण शर्मा जी आप फिर फोन लाइन पर, कौन सी नई जानकारियां हैं जो आप लोगों को हासिल करनी है इस साल? ज्योति जी जितनी जानकारियां ये देते हैं, जानकारियां हासिल करना बड़ा कठिन काम होता है कि पेरेंट्स से पूछना, दूसरी तरफ ये कहते हैं अगर कोई जानकारी ना दे तो दाखला जरूर देना है। और वो बिल्कुल सही बात है, बच्चे को पहले दाखला मिलना चाहिए, जानकारियों के उसमें नहीं उलझाना चाहिए। लेकिन जो अभी बात इन्होंने कही कि सरकारी स्कूलों की हालत बड़ी खराब है, मेरा कहना है कि ये डिबेट ठीक है कि ये जानकारियां जो है ये मंत्री जी कह रहे मुझे पता नहीं पिछली सरकार ने की थी, तो जानना, जब मंत्री की पोस्ट पे बैठे तो जानना भी उन्हीं का काम है, किसी और का काम नहीं है।
उस औहदे पे बैठे हैं, उन्होंने ही जानना है कहाँ पे गलत है। अगर गलत हो रहा है तो उसको, अगर वो मानते हैं गलत है तो उसको सही करें। दूसरा, जो शिक्षा है ये समाज के हाथों में दे। मेरी अपील है आप सारे राजनीतिक नेताओं से कि अगर ये राजनीति के हाथ में रही, सरकारों के हाथ में रही, तो बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। इसमें समाज के हाथों में शिक्षा व्यवस्था को दे। हर पेरेंट्स को सरकारी स्कूल क्यों जाना पड़े? आप क्यों नहीं उसको एजुकेशन वाउचर देते? आप डीबीटी क्यों नहीं लाते? उसको किस स्कूल में जाना, वो अधिकार उसका है। चलिए, तो उसको इस स्कूल को चुनना है। सरकारी आपके व्यवसाय से जुड़ी हो सकती है, ये देश और समाज के लिए, व्यवस्थाओं के लिए नहीं। मेरा अपना अनुभव है, जो संस्कार गवर्नमेंट स्कूल दे सकता है वो प्राइवेट स्कूल बच्चे को ड्रॉप आउट ना हो जाए इसलिए रोकने के लिए उसकी तमाम प्रकार की गलतियों को सहन करता है और उसको संस्कार में, मैं बिल्कुल, मैं खुद कंट्रोल हूँ। अगर संस्कार गवर्नमेंट स्कूल में है तो सरकारी स्कूलों के, आपका रिकॉर्ड दिखा दो, आपका रिकॉर्ड दिखा दो, आपका रिकॉर्ड दिखा दो, आपके ज्यादा रिजल्ट है कि गवर्नमेंट स्कूल के रिजल्ट ज्यादा है? केवल अक्षर ज्ञान से नहीं बात होती, समाज के अंदर कामयाब नागरिक कौन पैदा करके देता है? आज से 40 साल पहले तक के जो नेता थे, अधिकारी थे, वो गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं पढ़ते थे क्या? देखिए बात सुनो, कुलभूषण शर्मा जी, कुलभूषण शर्मा जी रुकिए सर, रुकिए, फिलहाल समय नहीं है हमारे पास। शास्त्री जी, इस बात का जवाब दीजिए जो कि विपक्ष कहता है, ये दाखिला फॉर्म है या फिर सर्विलांस फॉर्म है कि अभिभावकों की सारी जानकारी आप हासिल कर देंगे और शिक्षा के साथ इसका क्या लेना देना? देखिए, आप यदि एक एक पॉइंट को देखेंगे कि स्कूल जो है, यदि उसकी स्कूलिंग यदि आपको करनी है, बच्चे का सर्वांगीण विकास, विद्या का मतलब है सर्वांगीण विकास, और सर्वांगीण विकास तब होगा जब बच्चे की टोटल जानकारी आपके पास होगी, उसका मानसिक स्तर क्या है, उसकी पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, उसका आईक्यू कैसा है, क्या उसका माहौल में बदलाव देंगे किसी तरह का? आप इस बात को नकार नहीं सकते, बदलाव होगा क्या टीचर्स में? बदलाव होगा फिर उसके हिसाब से, आप यदि आपके पास यदि आपको ये नहीं पता कि मेरे स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं वो किस रोग के रोगी हैं, किस मेंटली ठीक है, किस एजुकेशन स्तर को लेना है, बने रहने के लिए जो बदलाव किया गया है उसके अच्छे परिणाम क्या रहेंगे और उसकी जरूरत क्या थी, उस पर सियासत कितनी हो रही है, उसको लेकर चर्चा की फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।